आदाब नाज़रीन, शमा न्यूज़ के कौमी खबरनामे में आप सभी का इस्तकबाल। शमा न्यूज़ की जानिब से अहले इस्लाम को जुमतुल विदा की पुरखलूस मुबारकबाद। कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है जिसमें खवातीन का रिजर्वेशन, जात पात की मर्दमशुमारी समेत कई दावे शामिल हैं। मंशूर जारी करते हुए कांग्रेस लीडर चिदंबरम ने मोदी हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि आज मुख्तलिफ एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मदारिस तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है जिसकी समाअत 5 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच करेगी। यानी आज मदारिस तंजीमों ने अदालत उज़्मा से हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने और मदारिस की साबिका पोजीशन को बहाल करने की अपील की। आसाम कांग्रेस के सरबरा भूपेश कुमार ने वजीर आला शर्मा के खिलाफ 10 करोड़ का हक की इज्जत का मुकदमा दर्ज किया है। भूपेश कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुतादित मरतबा शर्मा के बयानात ने उनकी और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली हुकूमत की वजीर आदशी ने मुबैना तौहीन आमेज पोस्टर्स पर कश्मीर गेट पर वाकई रियासती इंतखाबी दफ्तर में बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली सीईओ से मुलाकात की और सारी बात उनको बताई, मगर 6 दिन होने के बाद भी पोस्टर्स और होर्डिंग्स अभी नहीं हटाए गए। उत्तर प्रदेश ATS ने 2 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार करने का दावा किया। तफसीलात के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने नेपाल में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर भारत में हमले की साजिश के तहत जुमेरात को हिंद नेपाल सरहद से खुफिया तौर पर दाखिल हो रहे थे कि UPATS ने उन्हें एक और साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया। अरे बेटे, तेरे को 1000 बार बोला पेट्रोल का जमाना गया और अब इलेक्ट्रिक का जमाना है। शमा मोटर्स जा, दादा का नाम बोल, 1 घंटे के अंदर एम्पियर की बेहतरीन नई गाड़ी उठा के ला ले। मेरे नाम पे 6000 रुपये का डिस्काउंट भी देते थे कू, और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा। क्या बोलता हूँ, यहाँ जाके उठा ले नई गाड़ी। हाँ, तशरीफ लाए शमा मोटर, शालीबंडा निव रोड, हैदराबाद, या कॉल करें 7093093095 या 9700922336 पर। तो नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम खबरें। मजीद खबरों के लिए आप बने रहे शमा न्यूज़ के साथ। आदाब।